बिग बॉस के घर के अंदर उर्फी ने नॉमिनेशन में आते साथ जो है एकदम एक्टिव हो गई, लेकिन अगर यही एक्टिवनेस उन्होंने नॉमिनेशन में आने से पहले दिखाई होती तो आज मुझे लगता है कि वो नॉमिनेटेड भी नहीं होती। लेकिन आज सुबह से जिशान और उर्फी जो है एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। जिशान और उर्फी का कनेक्शन था, लेकिन जिशान ने जो कनेक्शन चेंज करने वाला टास्क आया था उसमें बजर बजा के दिव्या को सिलेक्ट कर लिया और उर्फी को टाटा बाय बाय। लेकिन टाटा बाय बाय होने के साथ ही उर्फी के लिए जिशान और जिशान के लिए उर्फी जो है फुटेज लेने का जरिया बन गए हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है और यही तो है बिग बॉस का गेम। तो चलिए आज हुआ क्या। सुबह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्षरा का तो अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा था। इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज थी कि मुझे भी लग रहा था कि बिग बॉस ओटीटी की जो फीड है ना वो थोड़ी देर रोक दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर कर रही थी वो। खैर आज उर्फी के बारे में जिशान ने बताया कि यार वो जाता था उसके घर, रहता था, बॉयफ्रेंड की बात हो रही होगी, वो कहते हैं कि उसने मुझे बोला भी था कि तो इससे दूर रहना। वहीं उर्फी जो है वो जिशान के बारे में बताती हुई नजर आई कि कैसे जो बाथरूम कॉन्ट्रोवर्सी है उसमें एक दिन ही कार्तिक आर्यन को फुटेज दिखाने चला गया और कार्तिक आर्यन को दिखाने लग गया तो तभी बाउंसर्स आए और उसको हटा दिया, ये बंद करो चलो यहाँ से निकलो। लेकिन जिशान ने क्या किया, उतना पोर्शन जो है एडिट करके डाल दिया। तो कहती है मैं तो देखने लगी कि कार्तिक आर्यन की बात है, बाद में पता चला उसको तो जो है धिक्कार कर निकाल दिया था। तो ये सारी चीजें जो है अब एक दूसरे के बारे में इन लोगों ने पोल खोलनी शुरू कर दी है। और जिस कॉन्ट्रोवर्सी से नहीं कहूंगी मैं, जिस चीज से जिशान फेमस हुए उसी को लेकर जो है अब उर्फी जो है वो सवाल उठा रही है। वहीं उर्फी की पर्सनल लाइफ के बारे में जो है जिशान ये बोलते हुए नजर आए कि उसने मुझे बोला भी था कि तू इससे दूर रहना। लेकिन हालांकि उर्फी ये बार बार कह रही थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं मैं उसको जो है बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ सबको बताती हूँ, मुझे छुपाने जैसी बात वैसे भी कोई नहीं लगती है। लेकिन एक बात तो तय है कि नॉमिनेशन टास्क आते साथ थैंक गॉड सब एक्टिव तो हो गए, वरना तो पोचे लग रहे थे, बर्तन मंज रहे थे, पत्ता गोभी फूल गोभी, मतलब मुझे लगता है कि घर में कल से लेके आज तक मैं 10 बार सुन चुकी हूँ कि पत्ता गोभी बनानी है, फूल गोभी बनानी है, बनाना क्या है। तो सिर्फ खाने पीने की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन टास्क आया है ये सब एक्टिव हो चुके हैं और थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो बिग बॉस ओटीटी पर मसाला देखने को मिल रहा है।